शामली में भारतीय जनता पार्टी के नेता का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह आरएलडी के बूथ एजेंट को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। शामली जनपद में बीजेपी नेता का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बीजेपी नेता मतदान केंद्र पर आरएलडी पार्टी के एजेंट को ड्यूटी देने पर धमका रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने अपने ही सामने आरएलडी पार्टी के बूथ एजेंट का पास भी फड़वाया। बीजेपी नेता ने धमकी दी कि आप बीजेपी के पक्ष में वोट कराओ, अन्यथा अंजाम भुगतना होगा। बीजेपी नेता का यह धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वायरल वीडियो बीजेपी नेता मनीष चौहान का बताया जा रहा है। हाल फिलहाल में सपा पार्टी का दामन छोड़ मनीष चौहान ने बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी नेता की धमकी से पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव में बीजेपी के नेताओं द्वारा धांधली कराई गई और मतदाताओं को धमका कर बीजेपी के पक्ष में और वोट गिर लो, मुझे वोट खिलाफ ना गिर जाए। एजेंट तो गई भाड़ में, मुझे वोट भी चाह थारी। प्रदीप का है काम मारना बंद कर दूंगा मैं थारे में, और जिस दिन काम मारना बंद कर दिया औकात पता लग जाएगी तब अभी अपनी आजो। बिल्कुल इज्जत के घाक हो रहे मेरे के आजो बैठा, आजो। शर्म लिहाज नहीं बिल्कुल भी, पर मर जाए आज दिखना चाहिए मुझे। चलो वहां नहीं बाबा, समझ में तो सारों की आ जाएगी और बढ़िया तरीके से आ जाएगी। मन मर्जी कर रहे हैं यार, कहा घोरे मेरी बेइज्जती करेंगे, मैं छोड़ू आगे फिर नहीं, छोड़ने भी नहीं चाहिए। एक वीडियो इस प्रकार की सोशल मीडिया पे चल रही है और जिसका संज्ञान लिया गया है, उसमें एक जांच की कमेटी बना दी जाएगी और जांच कर ली जाएगी। यदि किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो इसमें कार्रवाई के लिए हम लोग रिकमेंड करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।